लो गाइस, तो हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे। लो भाई, तो वो व्यू है आगे अब। एंड भाई, अरे ये वाला था क्या ऊपर? नहीं, वो आगे है। हाँ गाइस, फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी बहुत है खाने पीने के लिए। एंड ये देखो भाई, यहाँ से तो गाइस फाइनली हम लोग व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। हम यहाँ पे आए हुए थे इस व्यू पॉइंट पे। एक एंड आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो बहुत सारी है भाई यहाँ पे। सो अभी वहाँ पे अपने देवेश भाई कर रहे थे शूट यहीं कहीं पे। एंड हमने भाई बैठ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर धूप भी इतनी तेज़ है, टैनिंग इतनी जल्दी होगी ना। और तो हमने लगवाई है भाई अभी चार चाय और एक मैगी, फिर निकलते हैं अपना वाटरफॉल, फिर वाटरफॉल से भीमताल, एंड फिर आगे का प्रोग्राम आपको पता ही है। भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से मुक्तेश्वर से और ऊपर उस व्यू पॉइंट से भी। एंड गाइस, हमारे फ़ोन में बैटरी सिर्फ ऐसी है, किसी के फ़ोन में 1%, किसी में 2, किसी में 5, तो गाड़ी में चार्ज करते हैं फ़ोन अपने। एंड भाई आगे हमने वहाँ पे खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। अब भाई यहाँ का टिकट विकेट लेते हैं, 60 रुपये की टिकट लिखा हुआ है। चले बस टिकट ले रहे हैं गाइस। तो ये देखो यहाँ से है वाटरफॉल, मतलब ये हम जाएंगे आगे, पर आप आवाज़ सुन सकते हो यहीं से। देखो ये देखो भाई, लो गाइज हम पहुंच चुके हैं, अपना एंट्री हो चुकी है यहाँ पे अपने वाटरफॉल की। लो गाइज फाइनल भाई, ये भाई मुंह पे वो आगे लग रहे हैं, छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स आगे लग रही हैं फेस पे, इतना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है ना। एक तो देखो हवाएं चल रही है, देखो दिखाते हैं, ये देखो ये जो हल्की हल्की निकल रही है ना ड्रॉपलेट हवा में, ये देखो भाई बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लोग बाग खड़े हुए हैं, अपना फोटो शूट वगैरह चल रहा है भाई। ये देखो अभी तो हम तालाब में भी नहीं गए, उसके बाद ही जो ड्रॉपलेट्स है ना, ड्रॉपलेट्स कितनी पड़ रही है भाई, मतलब अपनी आगे से ना पूरी गीली हो चुकी है टी शर्ट वगैरह, भाई की टी शर्ट भी पूरी गीली हो चुकी है। एंड फोन पे देखना भाई, वेपर्स भी इतने सारे जम रहे ना, ये देखना अभी। भाई ये देखो मेरे कपड़ों पे, देखो ड्रॉपलेट। देवेश भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया। पारस भाई आप बताओ।
चार बंदे भाई ट्रिप बताऊं क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये देखो बत्तख बत्तख कर रहा हूँ चलो तो भाई ये देखो आगे से वाटर क्रॉसिंग। सो गाइज अभी भी हम नैनीताल के रास्ते में ही है। कितना टाइम रह गया भाई? 43 मिनट्स। भाई 43 मिनट्स रह गए और फोग आना स्टार्ट हो चुका है ऐसा आपको दिख रहा होगा। भाई पहाड़ों में पता चलता है कि यहाँ किलोमीटर कितने होते हैं। सिटी में तो पहुँच गए यहाँ पहुँच गए वो हो गया राइट यहाँ से राइट ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले ऊपर ऊपर वाले भाई लो भाई ऊपर वाले पे आ गए भाई सही जा रहे हैं लिखा भी था ऊपर बोर्ड पे फोग देखो क्या ही फोग हो रही है। लो गाइस तो अभी हम नैनीताल से भाई कितने किलोमीटर का रास्ता रह गया? 3 किलोमीटर का रास्ता है और अब 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा जाम है। अब ये देखो भाई की तरह अकेला गर्मी देनी पड़ेगी अब ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है 5-5 मीटर बढ़ के बस। यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल है। लो भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी भाई बहुत देर से देवेश भाई नैनीताल की लेक साइड शूट करना था नाइट शूट करना था भाई यहाँ पे पता नहीं कब पहुँचेंगे कब शूट होगा। आंसू भाई के साथ ही शूट करना था यार यहाँ फंस गए। देखो दोनों भाई अपने तो नींद आ रही है नींद नहीं आ रही मैं सोच रहा हूँ यही कर लो भाई। तो गाइस तो जाम अपना फाइनली खुल चुका है। अरे यार अरे भाई अभी मुश्किल से 20-30 किलोमीटर चले 20-30 किलोमीटर अरे सॉरी 20-30 मीटर किलो निकल गया ठीक है। एंड भाई जाम दोबारा शुरू क्योंकि बाइक वाले भाई इतने सारे आ रहे थे 50-100 बाइक वाले भाई सामने से मैंने सोचा खुल गया जाम अपना उधर से खुल गया ना कोई नहीं ये लो बिस्किट खाओ लाओ यार बिस्किट दे दो। तो गाइस ये हम एंटर कर चुके हैं नैनीताल में एंड भाई व्यू देख लो फाइनली गाइस इतनी देर के बाद 1 घंटे के बाद हमें जाम खुला है अब हाँ अभी भी प्रूफ एंड भाई कीड़ा भी हमारे साथ साथ ही चल रहा है जब से अभी नैनीताल दूर है दिख रहा है वो अभी। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं नैनीताल एंड ये रहा भाई यहाँ का लेक। देखो यहाँ भी आ जाएगी फोटो ऐसे देखो लो भाई यहाँ पे दर्पण बाइक बाइक रेंट वगैरह पे जो देते हैं अब पूरे होटल स्टार्ट हो चुके हैं इस तरफ। देखो यहाँ से खत्म हो चुका है पेड़ वेड़ खत्म हो चुके हैं प्रॉपर लेक है यहाँ पे लीजिए गाइस यहाँ पे हम आए हैं ये व्यू पॉइंट था एक भाई की फोटो खींच रही है देवेश भाई खींच रही है एंड भाई मछलियाँ देखो यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ और यहीं पे मंदिर है और भाई बहुत से लोग हैं उस तरफ। गाइस ये देखो ये था मंदिर तो यहाँ तक हम घूमने आए थे एंड वहाँ पे हमने खिंचवाई थी अभी फोटो। तो गाइस अब अपना डिनर करते हैं लंच ब्रेक निकल रहा है लंच ब्रेक लेते हैं ऑफिस की आज भाई तो अपना अभी डिनर करते हैं एंड निकलते हैं अब कैंची धाम के लिए। सो गाइस ये है अपना खाना जो आधा खा चुके हैं कढ़ाई पनीर दाल मखनी बाकी अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगा लेंगे। भाई रोटी पहले ही बोल देना हाथ नहीं रुकना चाहिए हाथ का मूवी। सो गाइस अभी हमने खाना पीना खा लिया अपना एंड हम जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ अब यहाँ से हम डायरेक्ट सीधा निकलेंगे कैंची धाम। भाई पाकी पेट ऊपर तक फुल हो चुका है ऊपर से कोल्ड ड्रिंक और पी ली इनका पेट तो वैसे ही फुल हो चुका है ऊपर से कोल्ड ड्रिंक और पी ली। हाँ
वो भाई देखो अलग चैटिंग चल रही है उनकी जब से लो गाइस, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कैची धाम बोरा मंदिर। एंड पीछे लिखा भी हुआ था कहीं बोर्ड पे, लो गाइस ये रहा अपना कैची धाम। एंड भाई यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बह रही है नदी, बिल्कुल उसकी आवाज आ रही है। लो गाइस तो हम आ चुके हैं फाइनली मंदिर में, एंट्री हमारी हो चुकी है कैची धाम। लो गाइस 5:30 हो चुके हैं, अब भाई दिन भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। मंदिर अपना जहाँ तक के खुलेगा 6 या 6:30 बजे। एंड ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो अब जूते गाड़ी में रखते हैं एंड चलते हैं। लो गाइस तो अपने दर्शन हो चुके हैं विद इन, गेट खुलते ही मतलब सबसे पहले हम ही थे। एंड भाई इतने प्यारे दर्शन हुए हैं ना, सबसे आगे आगे थे हम। सो गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं कैची धाम से, कहीं बढ़िया सी जगह लोकेशन देख के अपना चाय नाश्ता करते हैं एंड फिर डायरेक्ट दिल्ली निकलते हैं। सो गाइस हमने भाई पहाड़ तो सारे पार कर दिए, अब हम आ गए प्लेन्स पे। 260 किलोमीटर रह रहा है अब, यहाँ पे हम रुके हैं टी पॉइंट पे। सो गाइस ये हमारा भी हो रहा है मोस्टली लंच ही मान लो, घर पे जाके भी कर लेंगे क्योंकि 3 बजे तक पहुँच जाएंगे घर पे। एंड भाई दिल्ली रह गया 150 किलोमीटर दूर बस, है ना? 150 रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे बस, दो घंटे दूर है भाई। अगर मुझसे चलवाओगे डेढ़ घंटा ठीक है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी गली में एंड टाइम हो रहा है 3 बज रहे शायद 3:30। अब भाई जाके सोमोगे की थकावट हो रही है बहुत। सो इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल नाउ टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल रहा हूँ भाई, मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय।